नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चम न्यूज। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कोविड-19 पृथकवास केंद्र के सहायक को वहां एक युवती के साथ कथित दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आज यह जानकारी दी। नवघर पुलिस थाने के निरीक्षक संपत पाटिल ने बताया कि घटना जून की है, लेकिन शनिवार को यह उस वक्त सामने आई जब युवती ने इस संबंध में पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। अधिकारी ने बताया कि महिला ने शिकायत में कहा है कि घटना उस वक्त की है जब वह मीरा रोड स्थित एक पृथकवास केंद्र में भर्ती 11 वर्षीय रिश्तेदार की देखभाल के लिए गई थी। पुलिस के मुताबिक महिला पृथकवास केंद्र में अपनी 10 माह की बच्ची के साथ ही रह रही थी ताकि कोरोना वायरस संक्रमित उसके 11 साल के रिश्तेदार की देखभाल हो सके। पाटिल ने बताया कि आरोपी गर्म पानी देने के लिए उसके कमरे में जाता था और उस दौरान उसने महिला के साथ कथित रूप से अनुचित बर्ताव किया, जिसका महिला ने विरोध किया। इस पर आरोपी ने उसकी बच्ची की हत्या करने की धमकी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने जून के पहले हफ्ते में महिला के कमरे में उससे 3 बार दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि महिला आरोपी के डर से उस वक्त पुलिस के पास नहीं गई। शनिवार को उसने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं मई की 24 तारीख को वहाँ गई थी क्वारंटाइन में। वहाँ गई तो 3 दिन हम लोग बात कर रहे दीदी से। 26 तारीख को मेरी बहन का फोन आया, वहाँ से दवाखाने से फोन आया कि तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया। उस टेंशन से सबका, मेरी अम्मी लोग का सबका तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गया। उसके फिर दूसरे दिन हम लोग का सबका कोरोना का टेस्ट हुआ, सबका नेगेटिव बताया। मेरी भांजी जो थी उसका पॉजिटिव बता दिया। उसकी वजह से मैं वहाँ रुक गई। मेरी माँ को सपोर्ट दी कि अम्मी तुम जाओ, तुम्हारा सबसे रहना ज़रूरी है घर में, हम बच्चे तो हम लोग रह लेंगे इधर। तो मैं मेरी बच्ची को लेके मैं उस मेरी महक के साथ थी मैं कि जान दे बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई नहीं तो मैं हूँ, नानी भी हम लोग है, नानी को जान दे। तो मैं मेरी बच्ची, छोटी बच्ची लेके, मासूम बच्ची लेके मैं मेरा उधर रुकी उसके साथ। उस वक्त फिर मेरी बच्ची को लेकर रुकी तो उसने वो चीज़ का फ़ायदा उठाया कि अभी इसका तो कोई नहीं, अब इसके पूरे घर वाले चले गए तो मैं कैसा मौका उठाऊँ। तो इसकी भांजी लोग को दूध देता, उसकी बेटी को दूध में कुछ ऐसे में मिला के दे दूँ या उसने कुछ किया है अपने अंदाज से मिला के, अपन तो कुछ बोल नहीं सकते। वहाँ से आने के बाद की तबीयत खराब हो गई थी, बेटी हॉस्पिटल में थी तो उधर चले गए। तो उसको मैं, मेरी बच्ची को और महक को मैंने दूध दे दी। अब उन लोग जब भी मैं लोग को दूध देती हूँ लोग सो जाते हैं डायरेक्टली। अब कोई भी इलाज में किसी को भी टेंशन है, लोग सो रहे इतना। तो मैं मेरी बच्ची लोग को उठा के महक लोग को, लोगों को खाना खिलाऊं तो भी लोग सो जाते थे। फिर आया दूसरी बार, फिर मेरे को ठोकता है दरवाज़ा, ठोक के बोलता है कि गर्म पानी है। अब मैं खोलूंगी तो क्या करा, फटाक से खोला, लोग उसको दिख गया कि बच्चे लोग सो रहे। दरवाज़ा बंद करके मेरे मुँह पर हाथ रख के मेरे साथ बलात्कार करना वो कर दिया। मेरे को धमकी दे रहा है कि अगर तूने कुछ मेरे साथ खिलाफ करी, अगर मेरे ऊपर कुछ बोली करी, मैं तेरी माँ को टुंबा भेज दूंगा, तेरी बच्ची भी चली जाएंगी, तू हर चीज़ खो डालेगी, तेरी बच्ची तो मर जाएंगी तो तू भी वो एकदम वो अकेली हो जाएंगी, तेरी माँ को भी कुछ हो जाएगा, तेरे भाई को, मैं सबको टुंबा में भेजूंगा। मतलब बच्ची को जान से मारने की धमकी दिया, मतलब उसके गले में पाँव रख के मतलब मैं उसको मार दूंगा। तो मैं इस वजह से डर गई कि मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा तो फिर क्या, मैं किधर जाऊंगी, मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो हम लोग किधर जाएंगे। तो वो डर से मैंने आवाज़ नहीं उठाई। आज मैं आवाज़ उठा रही हूँ कि मेरा सब चला गया, मेरा आदमी, मेरे को शौहर, मेरा मेन जो था वो चला गया, मेरी बच्ची, मेरी छोटी मासूम थी वो चले गए। ये गोल्डन नेस्ट है ना, वहाँ की क्वारंटाइन की मैं बात कर रही हूँ, भाईंदर ने ये बालिका की, वहाँ की मैं बात कर रही हूँ। वहाँ पे मेरी भांजी थी जो महक, उसका कोई था नहीं तो उस वजह से मैं उसकी खाला थी तो मैं उसकी सपोर्ट में थी। जान दे बच्चा तेरे साथ कोई नहीं तो मैं हूँ, तेरी खाला हूँ, तो मैं मेरे बच्चे को लेके मैं उसके साथ थी कि मैं जान दे मैं तेरा सहारा बनती हूँ। अभी नानी की तबीयत खराब है, नानी को तकलीफ है, हार्ट का तकलीफ है, उनको प्रॉब्लम है, कोई नहीं समझेगा तो हम, बेटी तो है। तो मैंने भेज दी सबको, तो मैं मेरी बच्ची के साथ थी वहाँ पे। उसने क्या, उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि लोग अकेले है, इन लोग को दूध ला के दूंगा दोनों में, अभी क्या दूध में उसने मिला के देंगे क्या मालूम, हम तो देखे नहीं। तो वो बच्चे लोग को दूध दिया, मेरी बच्ची भी दूध पीती है छोटी, वो दोनों को मैंने दूध दी तो दोनों सोईले पड़े रहते थे, लोग को उठाए तो उठते नहीं थे, अब वो दूध में मिला रहेगा। तो उसको, उसने चीज़ का फ़ायदा उठाया कि लोग सो रहे। बाद में वापस से उसने बैल बजाया तो मैं बोली कौन है, तो पता गर्म पानी के लिए आया, और वो गर्म पानी के बहाने मेरा दरवाज़ा ज़ोर से खोल के बंद करके अंदर से मेरे साथ बलात्कार करना स्टार्ट किया, मेरे मुंह पे हाथ रख के, और फिर धमकी भी दिया कि मतलब मैं तुम्हारी बच्ची को मार दूंगा अगर तुमने कुछ किसी के आगे कुछ बोले तो। तो मैंने ये चीज़ सोची कि मैं मेरे आदमी को बोलूँ कि मेरा आदमी कुछ मेरे को वो सपोर्ट दे, इस वजह से। तो
आपने फिर बाद में उसका उस वक्त विरोध नहीं किया था, आपने क्यों, आप आगे क्यों नहीं आए उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए? क्योंकि मेरे को टॉर्चर कर रहा था, मैं घर पे भी आई 5 तारीख के दिन, अलग अलग नंबर से मुझे फोन कर रहा है, डॉक्टर लोग के नंबर से पूछता है कि कैसे है, क्या है, तुम्हारे घर वाले कैसे है, तुम्हारी महक लोग मतलब सबका पूछता कैसा करते क्या है, डॉक्टर बोल रहा हूँ, ऐसा नाम पूछ पूछ के टॉर्चर करता था कि तू किसी को बोल मत, अगर तू बोलेगी तेरे बच्चे की जान जाएंगी, तेरी माँ की चली जाएंगी। वो मेरे साथ ना इंसाफी हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए, तो मैंने मेरी माँ को बताई, माँ ने रमजान खत्री को बताया, उनने मुझे नाहा पालिका में वहाँ पे मुझे लेके गए, वहाँ के जो मेन वकील है कमिश्नर साहब है और उनके जो लोग हैं ना मेहर लोग, उनके सामने मैंने अपने अपने हर चीज़ मैंने बयान करी, उनने भी सब बोले, उनने मेरी मदद की, उनकी आज अब मैं ये नौ घर जो पुलिस चौकी है ना, मैं वहाँ आई हूँ भाईंदर अपना बयान दर्ज करवाने। तो ये थी आज की हमारी खास खबर, इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।